सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे है मेथी के पराठे और उसके साथ है केचप और मेरे घर के सभी बच्चे कार्टून देखते हुए सुबह सुबह। जयंशी, श्री श्री हाय बोल दो, हाय। सो गाइज, अभी 10:30 हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकलता हूँ मुंबई के लिए। हम लोग को जाना है कोलाबा और फैशन स्ट्रीट, यहाँ से कपड़े वगैरह कुछ खरीदने थे मुझे। सो जो भी खरीदूँगा, शॉपिंग करूँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा आप लोग को सब दिखाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। इससे पहले मैं जब ब्लॉगिंग करता था मुंबई में, तब भी मैं डालता था थोड़े बहुत ब्लॉग्स, मगर इस बार जा रहा हूँ प्रॉपरली, आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। सो चलते हैं, ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, फिर रेडी होके सीधा निकलते हैं मुंबई के। सो यार गाइस, 12:30 बज रहा है और मैं आया था यहाँ पे पनवेल खांडेश्वर स्टेशन के पास, जो मेरे घर से नज़दीक है स्टेशन। और यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है, यहाँ पे सब ये पब्लिक पार्किंग है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। सो चलता हूँ, गाड़ी पार्क कर दिया हूँ, सामने है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बार बार मेरे मुँह से मेट्रो स्टेशन आ रहा है। चलते हैं, टिकट लेते हैं और निकलते हैं सीधा मुंबई के लिए। सो गाइस, ये है खांडेश्वर मेट्रो बोल रहा हूँ, बस रेलवे स्टेशन। और वहाँ पे सामने जो आप माउंटेंस देख रहे हैं, उस साइड बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अभी फ़िलहाल सैटरडे है, खाली है पूरा, बिकॉज आफ्टरनून है ना, मॉर्निंग में रश रहता है यहाँ पे जब ऑफिस वर्क होता है। सो अभी वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, जैसे ही ट्रेन आती है, 12:46 की है, 10-15 मिनट बाद। सो निकलते हैं सीधा यहाँ से ट्रेन लेके CST के लिए। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पे और ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू है, चेक करें इंडिया के रेलवे स्टेशन का। और ये फ़ैन चेक करें, कितने बड़े बड़े फ़ैन हैं यहाँ पे। सो चलते हैं अब यहाँ से, नीचे सबवे मार्केट है एक, वहाँ से निकलते हैं बाहर और उसके बाद चलते हैं कोलाबा। पहले कोलाबा में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, शॉप्स वगैरह देखेंगे, वहाँ क्या पसंद आ रहा है, फिर वहाँ से निकलेंगे फैशन स्ट्रीट के लिए। सो चलता हूँ, पहले आप लोग को सबवे दिखाता हूँ, उसके बाद लेके चलता हूँ कोलाबा शॉप मार्केट के लिए। सर गाइस, आप लोग मुझसे अभी भी पूछते हो ना कि हम मुंबई से हैं, कहाँ से टिकट वगैरह लें, कोई एजेंट बताओ। सो आप CST मेट्रो स्टेशन है वो सामने वाला, चर्च गेट, छत्रपति शिवाजी मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट लोगे एग्जिट लेते ही, सामने ये है अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको टिकट, वीज़ा जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ये अच्छा एजेंट है, जेन्युइन एजेंट है, यहाँ पे आके आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है कोलाबा मार्केट, चलते हैं शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो भी कुछ लूँगा एक्सप्लोर करूँगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस, ये आ गया हमारा गन्ने का जूस। सो शॉपिंग करने से पहले ये जूस पी के रिफ़्रेश हो जाते हैं, उसके बाद शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे दुबई में आप लोग देखते थे वो करीम की इलेक्ट्रिक बाइक थी, वैसे ही यहाँ पर मुंबई में भी नज़र आ रही है, बेस्ट की है, बेस्ट वोगो नाम है इसका कुछ, आई डोंट नो ये उसी प्रकार रन होती है। यहाँ पे कोड वोड वगैरह दिया है, लेकिन आपको पता है इंडिया की हाल देखें, ब्रेक्स वगैरह टूट चुके हैं सब, इसके चलने की कंडीशन में है या नहीं पता नहीं मुझे, बट दुबई वाला सिस्टम यहाँ पे भी नज़र आ रहा है देखने। अभी हम लोग फिलहाल बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं बस का, और यहाँ से बस लेके हमें जाना है कोलाबा मार्केट, बिकॉज चल के दिखा रहा है 40 मिनट्स, तो उतना दूर चल के जा के मतलब नहीं। सो लेते हैं यहाँ से बस और चलते हैं कोलाबा मार्केट। चेक करो, यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह। हम लोग ने कोलाबा मार्केट से एक शर्ट लिया खाली, उसके अलावा कुछ भी वहाँ पे खासा पसंद नहीं आया। अभी जा रहे हैं दूसरे साइड, दूसरा मार्केट है वहाँ देखने, चलते हैं देखते हैं वहाँ पे कैसा मिलता है। जीन्स वगैरह मुझे जो स्टाइल चाहिए वो पसंद ही नहीं आ रही, दुबई में जब था वहाँ हर चीज़ पसंद आ रही थी, अब उसके मुकाबले यहाँ पर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है।
चलता हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं मेरे को जो कलर की जीन्स या जो स्टाइल की चाहिए। सो गाइस मुझे ये एक शर्ट जैकेट बोलते हैं जिसे आजकल जो ट्रेंड में चला है ये, और ये लाइट ब्लू जीन्स, ये जीन्स चेक करें, ये दोनों काफ़ी पसंद आया मुझे। बट ये आई थिंक सो एल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चेक करें आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा लूज लग रहा है, पापा को बोला हूँ एम लाने के लिए, लेट्स सी एम पहन के ट्राई करते हैं एम कैसा लग रहा है। बट मस्त लगा मुझे ये दोनों चीज़, जीन्स तो डन मैंने ये ले लिया है कन्फर्म, बस इसका एम साइज लेके ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। गाइस ये वो शॉप है जहाँ से, मॉल है, शोरूम है, जो भी कह लो, मैंने ये जो जीन्स मुझे पसंद आई थी वो, और बस इसमें मैंने एम साइज़ ले लिया है। ये देखें यहाँ पे ये एम साइज़ है, बाकी यहाँ पे कलेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थे, चेक करें। यहाँ पे ये बैगी जीन्स का कलेक्शन लाइट कलर्स में, और शर्ट्स, टी शर्ट्स, ये देखें ये सारे मस्त मस्त कलेक्शन है। आपको आना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, चेक करें। ये देखें स्वेट शर्ट्स है, ठंडी के जैकेट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, मस्त मस्त कलेक्शन है। ये देखें ये वाले शर्ट्स देखे, हाफ मस्त लग रहा है, चलता हूँ। फिलहाल ये दो पसंद आया, ये दो ले लेता हूँ, बाकी देखते हैं और कहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है। तो open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. गाइस थोड़ी सी भूख लगी थी, सो शॉपिंग करते करते मैंने लिया ये फ्रूट चाट यहाँ से, स्ट्रीट फूड मुंबई का, और पापा खा रहे हैं वहाँ पे वड़ा पाव। सो चलता हूँ मैं ये फ्रूट चाट खाता हूँ ये नज़ारे के साथ ब्यूटीफुल मुंबई के, और फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। गाइस ये है फैशन स्ट्रीट, मुंबई की सबसे फेमस शॉपिंग वाली जगह, और यहाँ से इसलिए मैं अंदर से नहीं जा रहा बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी भयंकर वाला रश है, आप देख सकते हैं। हमेशा यहाँ पे आपको 24/7 जब भी आएंगे, कोई भी वीकडेज हो या वीकेंड्स हो, रश आपको इतना ही देखने मिलेगा यहाँ पे। और मैं इसलिए उस साइड से मेनली नहीं जा रहा बिकॉज़ ये सारे ठीक ठाक क्वालिटी वाले कपड़े आप इसे पहन के कहीं ऐसे बाहर वगैरह नहीं फंक्शन अटेंड कर सकते, डेली वेयर के लिए सही है। सो मुझे वैसे लेने नहीं है इसलिए मैं उस साइड से जा ही नहीं रहा हूँ। बट आपको अगर रिजनेबल प्राइस में चाहिए नॉर्मल डेली वेयर्स में तो यहाँ आके परचेस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बार्गेन भी कर सकते हो। सो गाइस ये है अपना आज़ाद मैदान जहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस होती है जम के, अभी पता नहीं आई थिंक कोई फंक्शन वगैरह की तैयारी चालू है यहाँ पे, चेक करें पूरा डेकोरेशन वहाँ पे, स्टेज वगैरह नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ पे ये पिच वगैरह चेक करें कितनी सारी पिच है दोनों साइड पे, यहाँ पे प्रैक्टिस होती है मैचेस वगैरह की, अभी फ़िलहाल किसी फंक्शन के कारण बंद किया है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से, निकलते हैं सीधा CSMT मेट्रो स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन के लिए, बार बार दुबई का मेट्रो बोल के मेरी आदत मेट्रो स्टेशन की हो गई है। चलता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से, चलते हैं सीधा, लेते हैं ट्रेन। सो गाइस ये है सबवे मार्केट, मुंबई का सबसे फेमस सबवे मार्केट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो स्टेशन है वहाँ से एग्जिट लोगे तो आओगे इस सबवे में, जहाँ पे आपको याद होगा अगर 26/11 की फायरिंग हुई थी, ये वही जगह है, वही सबवे है। और यहाँ पे रश चेक करें, उस समय जब फायरिंग हुई थी यही सेम रश था उस समय भी, और यहाँ पे देखें टॉयज़ वगैरह, टॉयज़, कपड़े, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको, बेल्ट हुआ, ये मॉस्किटो रैकेट हुआ, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ है। मॉस्किटो रैकेट लेना है नहीं, देख रहे हैं टॉयज़ देखें, ये है मुंबई मेरी जान, हबीबी कम टू मुंबई। चलो चलते हैं, ख़त्म बस ये सबवे मार्केट, इतना ही था। अब सामने CST मेट्रो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, चलते हैं यहाँ से ट्रेन लेते हैं और निकलते हैं सीधा घर की ओर, 5:30 बज गए ऑलरेडी। इस रश चेक करें यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज जो लास्ट स्टेशन है लोकल ट्रेन का, अभी जस्ट एक पनवेल की निकल गई, अभी हम लोग को वेट करना है दूसरी पनवेल की ट्रेन का, ये खड़ी है, ये बैंड्रा जा रही है।
सो चलते हैं, वेट करते हैं पनवेल की दूसरी ट्रेन का, और जैसे ही आती है फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस आ गया हूँ अपनी गाड़ी पार्किंग के पास, चेक करें कितनी ज़्यादा गाड़ी पार्किंग हुई है, और 8 बज रहा है, ये है अपनी धन्नो। चलो निकलता हूँ इसे फटाफट यहाँ से और चलते हैं सीधा घर। गाइस ये है हमारा आज का डिनर स्पेशल, पानी पूरी, यहाँ पे है छोले, पानी, यहाँ पे पूरी सबके प्लेट में लग चुका है, यहाँ पे है खट्टी मीठी चटनी, और जिसको दही पूरी खाना है उसके लिए ये चना है मसाले वाला, ऑनियन है और शेव है, दही है। सो चलते हैं फटाफट डिनर करता हूँ और फिर डिनर वगैरह करके मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज चुके हैं, और अभी जस्ट खाना वाना खा के फ्री हुआ हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज खाना ना खाने का थोड़ा काम वाम में फंस गया था, मेरे जो एक दो डॉक्यूमेंट्स वर्क थे बचे थे जो काफ़ी दिन से अटके थे, मैं दुबई में था इस वजह से, सो वो सब काम ख़त्म किया। सो अभी जस्ट जाके खा पी के ख़त्म हुआ। बाकी आप लोग को मैं बताना भूल गया कि मैंने कहाँ से वो कपड़े लिए, जो जीन्स और शर्ट लिए मैंने, एक्चुअली वो वेस्ट साइड करके एक शोरूम है अपने कोलाबा साइड में, मुंबई फैशन इससे निकलोगे ना, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, लेफ्ट साइड में स्ट्रेट स्ट्रेट जाओगे या बस लेके जाओगे, सो वहाँ पे एक वेस्ट साइड का शोरूम है काफ़ी बड़ा, वहाँ से मैंने वो शर्ट और जीन्स लिए। अराउंड टोटल कॉस्टिंग मुझे 3180 समथिंग, ऐसा कुछ टोटल राउंड फिगर आया। बाकी ये मेरे कुछ बैल्कनी का व्यू चेक करें, दिवाली में पापा ने लाइटिंग्स वगैरह की थी, सो ये स्टार वाली लाइटिंग है पूरी, अभी तक सबकी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं बाहर रोड वगैरह पे। सो बस यही सब है आज दिन भर की अपडेट आप लोग के लिए। अब चलता हूँ मैं भी, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।